आप आखिर उस डायन की इतनी साइड क्यों ले रही हैं? मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। इस तरह से तमाशा करने से कुछ नहीं होगा, अब उसका मुस्तकिल इलाज करना पड़ेगा। मुस्तकिल इलाज? वो जब से इस घर में आई है पहले दिन से एक ही बात कह जा रही है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है ना? मॉम देखें, वो दिन ब दिन ढीट होती जा रही है और आपका बिहेवियर उसके साथ दिन ब दिन नरम पड़ता जा रहा है, क्यों? नहीं है, just stop shouting. चलो मेरे साथ, मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं आपको बता रही हूँ, वो मुझसे नहीं बचेगी। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए। मेरे हंसते बसते घर को तबाह करके दफा होने का बहुत शुक्रिया। ताबीर घर छोड़ के चली गई। कम ऑन जारा, बहुत ढीठ है वो, फिर आ जाएगी। ये तो है वैसे, लेकिन आप एक काम क्यों नहीं करती? आप उसकी अम्मी को कॉल करें फौरन और पता करें कि भई ऐसा क्या मामला हुआ है, ये ना हो कि बाद में सारा इल्जाम हमारे सर पे आ जाए। कॉल करूंगी ताकि फिर वो दोनों माँ बेटियां यहाँ पे आ जाए, उनको तो वैसे ही बहाना चाहिए हमारी तरफ आने का। मॉम, फिर हमें पता कैसे चलेगा कि भई आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि उस मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत पैदा हो गई है? तुमने उसे मारा जो है। खैर, पलट के तो उसने भी मुझ पे हाथ उठाया था। मैं तो हैरान ही रह गई थी कि किसकी दी हुई शय पे ये इतना बढ़ रही है आगे। करती हूँ मैं उसकी माँ को कॉल। लेकिन नहीं, रहने दो, खुद ही करेगी। जानती हूँ मैं उसकी नेचर को अच्छी तरह से। ठीक है। जारा, क्या हुआ जारा? बैठो, बैठ जाओ। जारा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? बस चक्कर सा आ गया था, बहुत। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे फहद मुझे पुकारता है, मुझे आवाज देता है फहद। और आपको पता है, मैं उठ के चल भी देती हूँ। ऐसे महसूस होता है कि जैसे फहद बाहर बैठा होगा, मुझे बुला रहा होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा वो। और फिर अचानक एकदम से याद आता है, हाथों में छोड़ के चला गया ना वो। सारा रिलैक्स, रिलैक्स सारा। चलो आओ, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ के आओ। हाँ, टेक केयर।